स्थित काजी हाउस स्थित नजूल भूमि पर हुए अवैध कब्जों को तहसील प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने बताया कि खाली कराई गई जमीन नजूल की संपत्ति है तथा सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय से 19 जनवरी 2021 को बेदखली आदेश के बाद भी रविवार को 19 अवैध कब्जेदार कब्जा बनाए हुए थे। इन लोगों को 1 महीने का समय भी दिया गया था, उसके बावजूद ये लोग जमीन को खाली नहीं कर रहे थे, जिसको देखते हुए अतिक्रमण को खाली करवाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही लोगों को सूचना दे दी गई थी, लोग शांतिपूर्वक अपना सामान हटाकर जगह को खाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ लोगों का और मुकदमा चल रहा है और आगे भी खारिज होने पर अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। इस अवसर पर सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, कर्नल सीपी सिंह, राजस्व निरीक्षक नगर प्रद्युम्न सिंह, वीर बहादुर सिंह, लेखपाल ब्रजेश सिंह, दिनेश कुमार पंकज, जयदेव सिंह सहित नगर निगम राजस्व और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, ये नजूल की संपत्ति है जो बहुत तो महत्वपूर्ण है। लोकेशन आप देख रहे होंगे, पीपी एक्ट में इसमें मुकदमा चला था और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने 19 जनवरी को ये डिसाइड किया था। उसी के कंप्लायंस में 15 दिन की इनके सूचना देने के बाद आज हम लोग लगभग 1 महीने बाद इसको खाली करा रहे हैं। कहाँ तक ये खाली कराया, कितने? ये 19 लोगों का तो कुल अभी बेदखली हुई है, जिनको अभी हम आज खाली करा रहे हैं। बाकी और मुकदमे भी हैं इसमें, आप देख सकते हैं 40-50 की संख्या में तो है। ये जैसे खाली होता जाएगा हम कराते जाएंगे आगे भी तक। हम बिल्कुल, ये जब ये पूरी पैच तो इलीगल इंक्रोचमेंट है, इसको खाली कराया जाना है। आप देख रहे होंगे कि अपने से लोग सामान हटा रहे और इनको सूचना थी, सबने अपना सामान हटा लिया था। बाकी अब हम इसको जगह को क्लियर कर रहे हैं, नगर निगम और
पुलिस के सहयोग से।